एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पलायन वेग के बारे में। जो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग की परिभाषा क्या होती है, पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है। साथ ही साथ बच्चे वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होता है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है और बृहस्पति ग्रह पर पलायन वेग का मान क्या होता है। ठीक है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में ये भी जानेंगे बच्चों कि इन जगहों पर जो पलायन वेग का मान अलग अलग आता है, ठीक है, उसके पीछे का क्या फिजिक्स है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि ये छोटा सा वीडियो लेक्चर है बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखें, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि पलायन वेग होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पलायन वेग की जो परिभाषा है समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखी है, लेकिन उसको बाद में समझेंगे, कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल बच्चों ये है कि मान लीजिए आपके हाथ में कोई पिंड है, पिंड मतलब मान लीजिए आपके हाथ में कोई बॉल है या कोई पत्थर है। ठीक है, अच्छा आप उस बॉल को या पत्थर को बच्चों आप कितनी भी ताकत से ऊपर की ओर क्यों ना फेंको, कितनी भी ताकत से आप ऊपर की ओर क्यों ना फेंको, ठीक है, तो होगा क्या बच्चों कि वो जो बॉल या पत्थर होगा, ठीक है, कुछ हाइट तक जाकर के ग्रेविटी के कारण क्या होगा बच्चों, वो नीचे की ओर आ जाएगा, पृथ्वी पर ही लौट आता है। ठीक है, अच्छा अब आपके दिमाग में सवाल आता है, क्या हम किसी भी वस्तु को इतनी ताकत से नहीं फेंक सकते कि वो हम फेंके इतनी ताकत से यानी इतनी स्पीड से कि वो पृथ्वी पर वापस ही ना आए, पृथ्वी पर वापस ही ना आए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, यानी हम इतना स्पीड दे नहीं पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं किसी भी पिंड को इतना स्पीड, वो भी मैं आज इसके पीछे की भी फिजिक्स अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। तो अभी तक मैंने आपको बताया बच्चों कि जब हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते कितनी भी स्पीड से, ठीक है, तो वो कुछ हाइट तक जाएगा, ठीक है, और वो ग्रेविटी कारण बच्चों वो नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए, अब आप बात करूंगी पलायन वेग की। पलायन वेग क्या बच्चों, देखिए पलायन वेग बच्चों वह न्यूनतम वेग है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जो किसी वस्तु को ऊपर फेंके जाने पर, ठीक है, वो पृथ्वी जो है, माफ कीजिएगा, वो वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, वो पृथ्वी पर वापस ना आए, तो उस वेग को बच्चों हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। एक बार फिर रिपीट करो बच्चों, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंके जाने पर वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और दोबारा पृथ्वी पर लौट करके ना आए, तो उस न्यूनतम वेग को बच्चों पलायन वेग बोलते हैं। समझ में आ रहा, तो चलिए स्क्रीन पर अच्छे से क्लियर करते हैं चीज को। तो देखिए मैंने क्या लिखा, देखिए मुझे डेफिनेशन क्या देगी पलायन वेग की, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंके जाने पर, जैसे आप बॉल की बात कर ले या फिर किसी पत्थर की बात कर ले, ठीक है, फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से यानी गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, यानी उसको पार कर जाए, ठीक है, और दोबारा कभी पृथ्वी पर वापस ना आए, ठीक है, तो वह जो वेग हो बच्चों उसे क्या होते हैं पलायन वेग कहते हैं, वह जो है पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, और पलायन वेग को बच्चों हम बीई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसके इंग्लिश में नाम बच्चों क्या है, एस क्या वेलोसिटी है, ठीक है, तो बी यहां से लिएगा और ई यहां से लिएगा, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका पलायन वेग का वचन कैसे करते हैं, वो वीई से करते हैं। ठीक है, सजमर आप लोगों को मेरे बात। अच्छा अब देखिए बच्चों, पलायन वेग का जो फार्मूला होता है, पलायन वेग का फार्मूला बच्चों ये होता है, देखिए इसको लिखते हैं बच्चों, वी ई इक्वल टू होता है वर्गमूल 2gr होता है, 2gr होता है, ठीक है, जहां g क्या बच्चों, g है गुरुत्वीय त्वरण, g क्या बच्चों, ये गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, और जो r है बच्चों, r है त्रिज्या, ठीक है। अच्छा अब त्रिज्या किसकी, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या, हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा की त्रिज्या, अगर हम किसी ग्रह की बात करते हैं जैसे जुपिटर है यानी बृहस्पति ग्रह है उसकी बात करते हैं तो उसकी त्रिज्या, ठीक है। अच्छा अब देखिए इस फार्मूले से बच्चों आप लोगों को एक बात क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे जो 2 है ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 2 कॉन्स्टेंट होता है, और जो जी है बच्चों ये भी कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि जी की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है, होती है 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये जो आर है बच्चों, ये आर कॉन्स्टेंट नहीं होता है, ये पृथ्वी के लिए अलग होता है और किसी चंद्रमा के लिए अलग होता है, ठीक है, या फिर किसी दूसरे ग्रह के लिए अलग अलग होता है, समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। ये जो आपका जो पलायन वेग है जो वी होता है ना, ये बच्चों डायरेक्टली समानुपाती होता है, डायरेक्टली किसके समानुपाती होता है बच्चों, वो
रेडियस के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? रेडियस के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब वो ये है कि जितनी ज्यादा किसी भी ग्रह की या उपग्रह की रेडियस यानी त्रिज्या होगी, प्लैन वेग का मान बच्चों उतना ही ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हम पृथ्वी की और बच्चों बात करते हैं, क्या बात करते हैं बच्चों, पृथ्वी की और बात करें तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है बच्चों वो कितनी होती है, देखिए पृथ्वी के या पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, आपने पढ़ा होगा ये होती है इसकी वैल्यू r बराबर, यहां पर लिख देता हूं, देखिए ये होती है बच्चों 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ये मीटर में मैंने लिखा है, किलोमीटर में लिखोगे तो 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, इस फार्मूले में बच्चों, इस फार्मूले में बच्चों अगर मैं r का वैल्यू और g का वैल्यू लगाता हूं फार्मूले में, ठीक है, तो पृथ्वी के लिए जो बच्चों अगर बात करें, पृथ्वी के लिए बात करते हैं तो पृथ्वी के लिए जो VE आता है बच्चों वो कितना आता है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, 2, और G का मान कितना होता है बच्चों 9.8 होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं 9.8, ठीक है। और देखिए R का मान कितना होता है पृथ्वी के लिए है, ये 6.4 इंटू 10 की पावर 6 है, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो फाइनली जो वैल्यू आती है बच्चों वो कितनी आती है, आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आ रही। अब ध्यान से देखो इस चीज को, देखिए ये जो स्पीड है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका मतलब ये बच्चों कि अगर हमें किसी ग्रह से मतलब इस मतलब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं पृथ्वी की, तो अगर हम किसी वस्तु को इतने वेग से फेंक, कितने वेग से फेंक है कि वो एक सेकेंड के अंदर, पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड के अंदर 11.2, चलो 2.2 को बैठा दो, 11 किलोमीटर दूरी तय कर जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पत्थर को फेंके और वो एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड कितना कम समय होता है और एक सेकंड में कितनी दूरी चल जाए, वो लगभग 11 किलोमीटर चल जाए, हालांकि ये 11 से ज्यादा है थोड़ा सा, तो 1100 किलोमीटर चल सकता है क्या, ऐसा नहीं चलता। यानी हम अपने हाथ से इतनी स्पीड नहीं दे सकते किसी भी बॉल को या किसी भी पत्थर को कि वो एक सेकंड के अंदर 1100 किलोमीटर दूर चल जाए, और यही रीजन है बच्चों हम इतना स्पीड दे नहीं पाते हैं किसी भी पिंड को ताकि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके चला जाए, सच मारा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चों हम किसी चीज के ऊपर फेंकते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है, हमारे द्वारा जो दी गई स्पीड होती है वो इससे बहुत कम होती है, इसकी नेगेटिव यानी बहुत कम वैल्यू होती है इससे। इसीलिए बच्चों वो कोई वस्तु अगर हम फेंकेंगे तो पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं करेगी और वो तुरंत की वजह कुछ ऊंचाई तक जाएगी और वापस पृथ्वी तक आ जाएगी ग्रेविटी के कारण। अगर हमें पृथ्वी से किसी वस्तु को पलायन कराना है, क्या कराना है बच्चों, पलायन कराना है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजना है, तो उस वस्तु को हमें इतनी स्पीड से भेजना होगा। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि हम पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को ऊपर फेंके तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे द्वारा जो दिया गया वेग होता है उस पिंड को वो इससे बहुत ज्यादा कम होता है, कम से कम इतना वैल्यू चाहिए तब वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। आई होप की बात आप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों हम बात करते हैं चंद्रमा के लिए, तो चंद्रमा की जब बात करेंगे बच्चों तो चंद्रमा की जो त्रिज्या होती है पृथ्वी से छोटी होती है, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी से बहुत छोटा है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या भी कम होगी। तो चंद्रमा के लिए बच्चों अब जब बात करता हूं मैं, तो देखिए थोड़ा मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, तो देखिए इसको हटा देते हैं यहां से। अब हम चंद्रमा के लिए जब बात करते हैं, चंद्रमा के लिए, ठीक है, चंद्रमा के लिए जब हम बच्चों बात करेंगे तो ये जो VE होता है ना, ये VE बच्चों जो आता है वो आता है लगभग 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। तो चंद्रमा के लिए जो बात होती है बच्चों, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा वो पृथ्वी से भी छोटा होता है, पृथ्वी से बहुत गुना छोटा होता है, और जो पृथ्वी होती है ये बहुत विशाल होती है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है लगभग 6400 किलोमीटर होती है, यानी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर में होती है, किसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, समझ में आ रहा आप लोग मेरी बात। तो ये स्पेशल अर्थ की बात चली, यानी ये पृथ्वी की बात थी, ठीक है, तो ये त्रिज्या बहुत ज्यादा है और ये त्रिज्या यहाँ पे ये मान लो चंद्र है, चंद्रमा है, तो ये बहुत कम है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो, अगर हम चंद्रमा की सतह से, चंद्रमा की सतह से अगर हम किसी चीज को हम पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कम से कम 2.3 किलोमीटर पर सेकंड का वेग देना होगा, और ये भी बहुत स्पीड है, यानी एक सेकंड के अंदर 2.3, अगर हम 0.3 को बैठाएं तो 2 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए। क्या हम इतनी स्पीड से फेंक सकते हैं किसी चीज को कि एक सेकंड के अंदर 2 किलोमीटर चल जाए, नहीं फेंक सकते, समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चों बृहस्पति ग्रह, क्यों बृहस्पति ग्रह, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है,
उसकी त्रिज्या पृथ्वी से भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम बृहस्पति अगर ग्रह की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको देखिए थोड़ा यहाँ, आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको यहाँ से रब करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए सर डाल रहे हो, तो देखिए अगर बच्चों हम बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं, तो बृहस्पति ग्रह जो होता है बच्चों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह मान लीजिए, मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बृहस्पति ग्रह इसकी जो त्रिज्या होती है बच्चों पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो ये और भी ज्यादा है, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह के लिए बच्चों हम बात करते हैं, देखिए बृहस्पति ग्रह के लिए जब हम बात करते हैं बच्चों, किसके लिए, पलायन वेग की जब बात करते हैं, तो ये जो वीई आता है बच्चों कितना था, लगभग 59 किलोमीटर पर सेकेंड आता है, क्योंकि इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने बताया कि जो वी होता है ना ये त्रिज्या के समानुपाती होता है, यानी जिस ग्रह की त्रिज्या जितनी ज्यादा बड़ी होगी, मैं आपको यही तो बता रहा था, आर जितना ज्यादा बड़ा होगा तो उसके लिए वी उतना ही ज्यादा चाहिए होगा। तो जो बृहस्पति ग्रह है इसकी त्रिज्या और भी ज्यादा है। इसके लिए बच्चों अगर आपको बृहस्पति ग्रह से किसी वस्तु को, ठीक है, अगर स्पेस से अगर बाहर भेजना तो कितना स्पीड चाहिए, लगभग 59 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड चाहिए, और ये अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है, ये तो पृथ्वी से भी ज्यादा है। अगर पृथ्वी की सतह से किसी चीज को अंतरिक्ष में भेजना है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजना है, तो लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड चाहिए, ठीक है। और ये तो देखिए ये एक सेकंड के अंदर कितना, 59 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर, 59 किलोमीटर कैसे है पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। समझ मारा आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो अयोग को तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग की परिभाषा क्या होती है, और पलायन वेग का ये बच्चों मैंने फार्मूला भी आपको बताया, ठीक है। और ये पृथ्वी के लिए मैंने इसकी वैल्यू बताई कितनी आती है, 11.2 आती है, चंद्रमा के लिए 2.3 किलोमीटर पर सेकंड में बता रहा हूँ, ठीक है। और हम बृहस्पति ग्रह के लिए बच्चों बात करते हैं तो कितनी वैल्यू होती है, 59 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो आई होप बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।